मित्र यहाँ पे आरडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 100% इंक्रीज हो गई मात्र एक ट्रिक से। चलिए बताते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट जल्दी इंक्रीज नहीं होती है, मतलब कि आप कितना भी रिकॉर्ड बना लो जल्दी नहीं होती है, और कुछ ही लोग का होता है, सभी लोग का नहीं होता है। तो इन्होंने, हमारे व्यूअर्स ने एक नया ट्रिक लगाया और इनकी लिमिट मात्र 30,000 से 35,000 रुपये थी और 1,00,000 प्लस हो गई। कैसे हो गई थोड़ा आपको हम बताते हैं। मित्रों यहाँ पे आज के टाइम की बात करूँ तो काफ़ी लोग ऐसे हैं आईटीआर को फाइल करते हैं, और आईटीआर फाइल काफ़ी लोग किए हैं, कुछ लोग तो मतलब कि बहुत कम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं। इन्होंने आईटीआर बेस और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके अपने लिमिट को इंक्रीज करा लिया। क्या मित्रों बैंक स्टेटमेंट आईटीआर बेस पे लिमिट इंक्रीज होती है? 100% होती है, बट इसका तरीका आपको पता होना चाहिए। मित्रों यहाँ पे बैंक के आपके पे स्लिप आपके आईटीआर को रीड करता है, देखता है कितना स्रोत है, क्या है क्या नहीं है, उस सारा रिकॉर्ड मिल जाता है। सिविल से आपका आउटस्टैंडिंग लोन क्या चल रहा है, उस सारा कुछ वहां से पता चल जाता है। इसके बाद अब सवाल यहाँ पे ये है कि इनकी लिमिट जो है इंक्रीज हुई, आखिर आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे कैसे हो गया? मित्रों इन्होंने कार्ड को परमानेंटली हमेशा यूज करते रहे, कभी कार्ड को छोड़े नहीं, जब इनको जरूरत पड़ा कार्ड को इस्तेमाल किए। अब कार्ड इस्तेमाल करने से होता क्या है कि आपने मान लो 1,000 रुपया खर्च किया, 10,000 रुपया खर्च किया, पेमेंट कर दिया, अब इसके बीच में आपका एक व्यवहार जनरेट होगा और उसके बिहाफ पे अगर आप बैंक में मेल करते हो, कॉल करते हो, तो वहां पे बैंक देखेगा आपका स्कोर, देखेगा आपका ट्रांजेक्शन, देखेगा क्या है क्या नहीं है, सारा ब्यौरा चेक करने के बाद तो वहां पे बैंक देखेगा कि हाँ ये पर्सन क्या आईटीआर फाइल भी करता है कि नहीं करता है, इसके बैंक में किस टाइप का ट्रांजेक्शन है वो बैंक देखता है, और इसके बिहाफ पे अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। आखिर बैंक की क्यों लिमिट जल्दी इंक्रीज नहीं करती है? तो यहाँ पे देखो दो रीजन है। पहला रीजन ये है काफी लोग मल्टीपल लोन ले रखे हैं और उनकी आउटस्टैंडिंग बढ़ गई है। अब एक आदमी पर अधिक कर्ज हो गया और उसकी लिमिट खर्च अधिक यूज कर लिया, पे नहीं कर पाया, तो पैसा एनपी हो जाएगा, तो बैंक बहुत कुछ सोचता है जो शायद इस चीज को काफी लोग नहीं समझते हैं। तो मित्रों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर लिमिट इंक्रीज करवाना है तो आप यहां वहां मत दौड़िए। अगर सब कुछ कर लिया, प्री अप्रूव आपको नहीं मिला लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर, और कोई चांस नहीं मिला, तो बैंक को आप जो है आईटीआर फाइल मतलब बस है वो सबमिट कर दीजिए, बैंक का स्टेटमेंट दे दीजिए, पे स्लिप दे दीजिए, आपका लिमिट 100% इंक्रीज होगा बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का, और आप आराम से करवा भी लोगे। तो ये कहानी थी हमारे व्यूअर्स का जिन्होंने करवा लिया। आप बताना कि आपकी लिमिट कैसे इंक्रीज हुई, अपने कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।